نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा फजल है, बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है। ईमान लाने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ईमान वाले पर जो आती है वो नमाज की अदायगी है। नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है, बल्कि रिवायतों में आता है कि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। जिसकी नमाजें सही होगी बाकी आमाल भी अल्लाह ताला दुरुस्त कर देंगे, और जिसकी नमाजें दुरुस्त न हुई बाकी आमाल भी उसके गड़बड़ वाले हो सकते हैं। नमाज एक बहुत जामे इबादत है। इबादत तो एक है लेकिन अपने अंदर बहुत सारी दूसरी इबादतों से मुशाबहत रखती है, दूसरी बहुत सारी इबादतों की नकल है नमाज के अंदर। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज में रोजे की मुशाबहत भी है, जकात की मुशाबहत भी है, हज की मुशाबहत भी है, कुर्बानी की मुशाबहत भी है, एतिकाफ की मुशाबहत भी है। बहुत सारी इबादतों की झलक और मुशाबहत नमाज के अंदर मौजूद है। नमाज में रोजे की मुशाबहत वो इस तरह कि जैसे आदमी रमजान में रोजे रखता है या दूसरे दिनों में रोजा रखता है तो पूरा दिन न खाता है न पीता है, भूखा और प्यासा रहता है, और जब तक रोजे की हालत में होता है अपनी बीवी से जायज ताल्लुकात भी कायम नहीं कर सकता रोजे की बुनियाद पर। यही हालत और यही पोजीशन आदमी का नमाज में भी होता है कि आदमी जब तक नमाज में होता है न खाता है न पीता है न बीवी से जायज ताल्लुकात कायम कर सकता है। ये है रोजे के साथ नमाज की मुशाबहत। जकात के साथ मुशाबहत वो इस तौर पर कि नमाज में जकात में तो आदमी अपना माल खर्च करता है, माल दूसरों को देता है, गरीबों को देता है। नमाज के अंदर आदमी को हुक्म दिया गया कि अपना सतर ढक कर नमाज पढ़े। नमाज सही होने की जो शर्तें हैं उसमें से एक बड़ी शर्त यह भी है कि सतर का छुपाना। अब सतर छुपाने के वास्ते कपड़ा चाहिए और कपड़े के वास्ते आपको पैसे खर्च करने हैं, तो जैसे जकात में पैसे खर्च होते हैं नमाज के वास्ते भी आदमी पैसे खर्च करता है। यह है जकात के साथ नमाज की मुशाबहत। नमाज में हज की मुशाबहत भी है। हज में क्या होता है कि आदमी मक्कतुल मुकर्रमा जाता है, बैतुल्लाह जाता है, वहां जाकर काबा का दीदार करता है, काबा के चक्कर लगाता है, काबा की बड़ी ताजीम करता है, बड़ा एहतराम करता है। नमाज में भी हुक्म यही दिया गया कि काबा की तरफ आपको मुंह करके नमाज पढ़नी है, काबा का एहतराम करना है, किबले की तरफ मुंह करके आपको नमाज पढ़नी है। यानी जिस सिमत में जिस दिशा में काबा है उसकी तरफ आपको चेहरा करके सीना करके नमाज पढ़नी। तो इस तरीके से हज के साथ भी मुशाबहत हो गई, एतिकाफ के साथ भी मुशाबहत है नमाज कि आदमी जब एतिकाफ में बैठ जाता है तो बगैर शदीद उज्र के बगैर शरई उज्र के मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता, बगैर किसी उज्र के वो मस्जिद से बाहर सहन में टहल नहीं सकता, इधर उधर नहीं घूम सकता। शदीद जरूरत हो तो ही आदमी जा सकता है मस्जिद से बाहर, अगर बगैर शरी उज़र के गया तो एतिकाफ टूट जाएगा,
नमाज में भी यही पोजिशन कि आदमी जैसे ही नमाज शुरू हो गई अपनी जगह से हट नहीं सकता, अब नमाज में चल नहीं सकता, चलते चलते नमाज नहीं पढ़ सकता, टहल कर नमाज नहीं पढ़ सकता, कि आदमी कदम ब कदम चलता जा रहा है नमाज पढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो एतिकाफ के साथ भी नमाज को मुशाबहत, अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते उनके साथ भी मुशाबहत हो जाती है नमाज, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया और फरिश्तों की इबादत की पोजीशन अलग अलग। बाज़े फरिश्ते हमेशा से सजदे में हैं, सजदे में रहेंगे, ये उनकी इबादत। तो नमाज आदमी सजदा भी करता है तो फरिश्तों के साथ उसकी मुशाबहत हो जाती है, फरिश्तों की नकल हो जाती है। गैरों की नकल से तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया, शरीयत ने रोका, लेकिन ये जो नकल है फरिश्तों की वो महमूद है, अच्छी चीज है, शरीयत चाहती है कि हम फरिश्तों जैसे बने। बाज़े फरिश्ते कियाम की हालत में अल्लाह की इबादत करें, वो हमेशा इसी पोजीशन में रहेंगे। तो नमाज आदमी कियाम करता है वो या फरिश्तों के साथ उसकी मुशाबहत हो जाती है, फरिश्तों की नकल हो जाती है, अल्लाह ताला उससे खुश होते हैं। अल्लाह ताला की दूसरी बात मखलूकात है, उलमाए किराम फरमाते हैं और कुरान में भी इसका इशारा मौजूद है कि दुनिया की हर मखलूक अल्लाह की इबादत करती है। वला किल्ला तफकहून तस्बीहहुम, लेकिन तुम्हें मालूम भी होता तुम नहीं जान सकते कि वो कैसे इबादत करते। इसके जिम्मे में उलमा ने लिखा है कि जो दुनिया की मखलूकात है, पहाड़ है, दरख्त है, जमीन है, चौपाए हैं, सब अपने अपने हिसाब से इबादत में मशगूल। पहाड़ के बारे में उलमा फरमाते हैं कि पहाड़ गोया कादे में बैठा हुआ है, जैसे आदमी नमाज में कादा करता है दूसरी और आखिरी रकात में, वैसे पहाड़ कादे की पोजीशन है जिसको हम कायदा कहते हैं, तो उसके साथ मुशाबहत हो गए। दरख्त गोया कियाम की पोजीशन है, खड़े हैं अल्लाह के सामने, ये उनकी इबादत का तरीका है। तो हमारी मुशाबहत दरख्तों के साथ भी, उनकी भी नकल हम कर लेते। चौपाए चार पैर वाले जानवर गोया के रुकू की पोजीशन है, उनकी गर्दन झुकी हुई, तो नमाज़े आदमी रुकू भी करता है तो उनके साथ भी मुशाबहत हो जाती है, उनकी नकल भी हो जाती। नमाज में बहुत सारी दूसरी इबादतों की नकल मौजूद है और नमाज इंसान की जिंदगी बदल देने वाली इबादत है अगर उसको उसके हुकूम की रियायत करते हुए अदा किया जावे तो। और बिल्कुल ध्यान के साथ, खुशु और खुजू के साथ अगर नमाज हम अदा करेंगे तो नमाज के असरात जरूर भी जरूर जाहिर होकर रहेंगे। हर चीज का एक असर होता है, आप धूप में बैठ जाए जिस्म और बॉडी गर्म हो जाए, हर चीज का असर। तो नमाज तो बहुत बड़ी इबादत, उसका भी असर है और बहुत बड़ा असर, बल्कि इंसान की जिंदगी बदल सकती है अगर सही ढंग से नमाज अदा करे, इतनी तासीर है नमाज के। उलमा फरमाते हैं कि जो कोई नमाज में अपनी निगाहों को कंट्रोल करेगा, जिस रुकन में जहां देखना चाहिए वहां देखेगा, तो वो नमाज के बाहर हराम चीजों के देखने से बच जाएगा। कि कियाम में मुझे सजदे की जगह पर देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, रुकू में मुझे पैरों के पंजों पर देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, सजदे में मुझे नाक के इस हिस्से पर देखना है। अगर इसकी प्रैक्टिस, इसकी कोशिश हमने की, इसके पीछे मेहनत की, तो एक वक्त आएगा कि हमारी आदत बन जाए और नमाज से बाहर भी हमारी नजरें इधर उधर भटकने से महफूज हो जाएगी। बल्कि उलमाए किराम, बाद सूफिया और उलमा तो फरमाते हैं कि किसी आदमी से कोई मुआमला करना हो और वह आदमी कैसा है ऐसा चेक करना हो, मालूम करना हो, तो उसकी नमाज देख लो। अगर नमाज उसकी दुरुस्त है तो आप इस बात का इत्मीनान कर सकते हैं कि उसके बाकी मामला भी सही होंगे, और अगर नमाज दुरुस्त नहीं है, ढंग से नमाज नहीं पढ़ता, तो ये बात मुमकिन है कि उसके बाकी मामला भी ऐसे ही होंगे, बेढंगी हालत में होंगे। और ये नमाज में खुशु खुजू, अल्लाह का ध्यान, ये ऐसी चीजें हैं कि पहले दिन से हमको नसीब नहीं हो रहे इल्ला माशाल्लाह, इसके पीछे पीछे मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज के पीछे एक मेहनत होती है, आदमी गाड़ी भी सीखता है बल्कि साइकिल भी सीखता है, तो पहले दिन से वो सीख नहीं जाता,
बहुत सारी चीजों का उसको ध्यान देना पड़ता है, लगातार उसके पीछे मेहनत करता है, तब जाके वो चीज उसके कंट्रोल में आ जाती है। हम भी इस तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दें कि मेरी निगाह जहां होनी चाहिए वहीं रहे, जिस वक्त जहां ध्यान होना चाहिए वहीं रहे। थोड़ी मुद्दत हम ये कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी नमाजें सही हो जाएगी। और हमारे किराम ने उसके तरीके बताए कि नमाज में ध्यान लगाना, वो कैसे लगाएंगे, कहा कि कुछ चीजों का एहतमाम करें। सबसे पहले नमाज में खड़े होने से पहले ये बात सोच ले कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के सामने। अल्लाह की अजमत अगर दिल में आ गई फिर नमाज में आपको ना खुजली आएगी, ना आपका इधर उधर ध्यान जाएगा, ना दूसरा कोई ख्याल आएगा, बिल्कुल कंप्लीट नमाज हो गया। ना आप कपड़ों से खेलेंगे, ना दाढ़ी से खेलेंगे, क्योंकि एक मामूली सीसीटीवी कैमरे के सामने भी आदमी जब खड़ा होता है तो बिल्कुल कंप्लीट कि भाई इसको कोई देखेगा। अकेले में हो लेकिन सीसीटीवी कैमरा लग गया तो फिर उसके सामने नाक में उंगली नहीं डालेगा, उसको मालूम है कि फोटो कोई देखेगा। ये बात अगर दिल में आ गई कि मेरे सामने अल्लाह है, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर नमाज में इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। अगर ये पोजीशन नसीब नहीं होती कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो कम से कम दूसरे दर्जे में ये सोचे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, मैं किसके सामने खड़ा हूं, अल्लाह के सामने। भाई एक सेठ होता है, एक नौकर होता है, नौकर को जब मालूम है कि सेठ काउंटर पर बैठा है और बैठे बैठे देख रहा है तो वो थोड़ी भी गलती नहीं कर रहा, बिल्कुल ध्यान से काम करता है, जिम्मेदारी से काम करता है। तो हम नमाज से पहले अपना जहन बनावे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, इसलिए मुझे नमाज बिल्कुल कंप्लीट पढ़नी है। तो या तो अल्लाह मुझे देख रहा है या मैं अल्लाह को देख रहा हूं। उसके बाद कुरान करीम की तिलावत होती है, अब ये अरबी में पढ़ा जाता है, हर एक को तर्जमा मतलब तो मालूम होता नहीं, कम से कम इतना दिल में ख्याल रखें कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इमाम साहब वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बातें बयान कर रहे हैं। और जब अल्लाह बात कर रहा हो तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं खामोश रहूं और मैं ध्यान से बात को सुनूं, चाहे समझ में आवे कि ना। फिर रुको और सजदे में जावे तो मैं क्या पढ़ रहा हूं उस पर ध्यान दे, सुभान रब्बी अलअज़ीम, ये छोटा सा जुमला है, इसका तर्जमा हम मालूम कर सकते हैं कि मेरे रब की जात बहुत पाक है, मेरा रब बहुत अजीम मर्तबे वाला है, बड़े मर्तबे वाला है, मैं उसकी पाकी बयान कर रहा हूं। इतना ध्यान दे, सजदे में इतना ध्यान दे, नमाज में इतना ज्यादा ध्यान देना कि आपको फरिश्ते दिखाई दे, ये सही है, शरीयत ने इसका हुक्म नहीं दिया कि आपको फरिश्ते भी दिखे कि उतर रहे आसमान से या आए फरिश्ते, नहीं। अपने बस में जो है इतनी मेहनत करो, हमारे बस में ध्यान रखना है कौन सी रकात चल रही है, रकात का कौन सा पोजिशन है, अभी मुझे क्या करना है, कितनी बार कौन सी चीज पढ़नी है, इन चीजों का ध्यान। हकीम उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नमाज में कितना ध्यान देना जरूरी है, जितना कि किसी आदमी को कुरान कच्चा हो, पढ़ तो सकता है लेकिन कच्चा है, तो वह आदमी बहुत ध्यान से पढ़ेगा कि कहीं गलती ना हो जाए, जबर की जगह जेर ना हो जाए, जेर की जगह पेश ना पढ़ ले। वो आदमी जितना ध्यान देता है कुरान पढ़ने में उतना ही ध्यान नमाजी को देना है नमाज पढ़ने, इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, और इतना तो हमने से हराज भी कर सकते। तो नमाज ध्यान से, अल्लाह मेरे सामने है, मैं अल्लाह के सामने हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, होशो हवास के साथ नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाजों का असर हमारी जिंदगियों में जाहिर होगा। कुरान ने कह दिया है कि नमाज बेहयाइयों से और बुराइयों से रोकती है, वाकईतन ऐसी नमाज अगर पढ़ी गई ध्यान के साथ, एक वक्त आएगा आपको गुनाह से रोकेगी, बदनजरी से रोकेगी, धोखेबाजी से, झूठ बोलने से आपको रोकेगी, उसका असर रखा है अल्लाह ताला, असर होकर रहेगा। और जब आप ध्यान से नमाज पढ़ते हो जाएंगे तो नमाज पर आपको बहुत बड़े बड़े इनाम मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े। पहला इनाम दुनिया में, आपकी रोजी की तंगी दूर हो जाएगी, रोजी का ताल्लुक नमाज के साथ है, पांच वक्त की नमाज जिसने अदा की इत्मीनान के साथ, वाजिबात फराइज सुनन मुस्तहबात की रियायत करते हुए, उसके लिए रोजी के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देंगे।
अल्लाह ताला ने अपने लादिल नबी से फरमाया वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घरवालों को नमाज का हुक्म दो और तुम भी नमाज की पाबंदी करो। ला नसअलुक रिज़्क़ा, हम तुमसे माल नहीं चाहते, नहनु नरज़ुकु, आप नमाज पढ़िए हम आपको रोजी देंगे। तो रोजी की परेशानी जो सबसे बड़ा मसला हमारे नजदीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाजों की बरकत से उसको आसान कर देंगे, हल फरमा देंगे, बहुत बड़ा इनाम। दूसरा इनाम, अगर अच्छी तरह नमाज अदा की है तो कब्र का मसला आसान हो जाएगा। हालांकि कब्र जो है वो आखिरत की मंजिलों में सबसे खतरनाक मंजिल है, सबसे पहली मंजिल है। अगर इसमें आदमी कामयाब हो गया तो बाकी सब मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएगी। सही ढंग से नमाज पढ़ी है इत्मीनान के साथ और अच्छी तरह नमाज पढ़ने को अपने ऊपर अल्लाह का हक समझे कि अल्लाह का हक है मेरे ऊपर, मेरे लिए जरूरी है कि मैं अच्छी तरह नमाज पढ़ूं, तो कब्र का मसला आसान। फिर तीसरा इनाम, कल कयामत के दिन जब सब लोग कब्र से उठेंगे, हर एक को फिक्र होगी कि मेरा नामा आमाल मुझे कौन से हाथ में मिलेगा, सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में। जिसको सीधे हाथ में मिल गया वो कामयाब, जिसने नमाजों की पाबंदी की, अच्छी तरह नमाजें पढ़ी थी, उसको सीधे हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा, बहुत बड़ा मसला उसका हल हो जाएगा। वहां से उसका रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती लोग। नामाए अमाल की तकसीम के बाद पुल सिरात बिछाया जाएगा जहन्नम के ऊपर, जन्नत तो उसके पीछे है। हर अच्छे और बुरे आदमी को कितना भी मुत्तकी और परहेजगार हो, पुल सिरात के ऊपर से गुजरना है और उसके नीचे जहन्नम। जो लोग नमाजी होंगे दौड़ते हुए खुशी खुशी पुल सिरात पर से अल्लाह ताला उनके लिए आसान कर देंगे गुजरना, दौड़ते कूदते हुए गुजर जाएंगे, ये सबसे बड़ी काम है। फमन ज़ुज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बच गया जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब हो गए। तो नमाज हर जगह पर हमें काम आए। पांच नमाजों में से दो तीन नमाजें पढ़ ली और वो भी खाली फर्ज नमाज, सुन्नत मुअक्कदा, ईशा के बाद तीन रकात वितर वाजिब, उसका अहतमाम नहीं कर। जो नमाज अच्छी तरह नहीं पढ़ी जाती, अधूरी पढ़ी जाती है, उसको मैले कुचेले कपड़े में लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है, अल्लाह ताला ऐलान करते हैं कि तेरी इस नमाज की मुझे कोई जरूरत नहीं, ये तेरी नमाज पढ़ो। वक्त से पहले मस्जिद में आवे, अल्लाह के घर में आवे। आदमी बस और ट्रेन के टाइम से पहले वहां पहुंच जाता है, 5-10 मिनट पहले, कि बस छूट नहीं जाओ, ट्रेन चली नहीं जाओ, प्लेन चला नहीं जाओ। तो नमाज से कम 5-10 मिनट पहले आने की आदत, इतने जल्दी आ जाए कि नमाज जमात के साथ पढ़ सके, रकाते ना छूटे, तकबीर उला उसको नसीब हो। मस्जिद के आदाब आने के बाद बैतुल खला में गए, अब इधर से चप्पल पहन के गए और उधर से निकले तो इधर वाले चप्पल उधर चले गए, जितने आए यहां से पहन के गए उधर गए, अब आने वालों को फिर उधर से घूम के जाने का, फिर टॉयलेट, फिर वो लोग इधर निकालेंगे, फिर उधर वालों को इधर आने। डिसिप्लिन नहीं है हमारी जिंदगी में, तरतीब नहीं। अच्छा, नल खोला है तो नल ठीक से बंद नहीं करते, इन तमाम चीजों के बारे में सवाल होगा कयामत के दिन, इसके बारे में पूछोगे। बैतुल खला के नल ठीक बंद करें, चप्पल जहां से पहने थे वहां निकालें, पाकी का ख्याल रखें, तहारत इस तरह हासिल ना करें कि चप्पल पर भी पानी गिरे, कि बाद में जाने वाले को वो चप्पल पहनकर जाने में कराहत महसूस हो। सफाई का ख्याल रखें, बैतुल खला से निकलने के बाद चाहे घर में हो या मस्जिद में, हाथ पैर जरूर धो लें, कुछ ना कुछ छींटे वगैरह तो उड़ जाते हैं। पाकी का ख्याल रखें। हुजूर ने फरमाया कि सबसे ज्यादा कबर का आजाब पेशाब के छीतों से न बचने की वजह से होता है, सबसे ज्यादा आदाब। अब वो नौजवान बहुत टाइट पतलून पहनते हैं, जो ठीक से बैठ नहीं सकते पेशाब करने के वास्ते, खड़े खड़े पेशाब करते हैं, फिर उनकी पाकी नापाकी का क्या मसला। बहुत सारों को कहते चलो नमाज पढ़ने के मकसद कपड़े नापाक, जिंदगी गुजर गई अभी तेरे को पेशाब करते नहीं आए, और ये वो चीज है जो कबर के अजाब का सबब बनती है, जरिया बनती है। जमात खाने में दाखिल होने के बाद अल्लाह का फरमाते हैं वकूमु लिल्लाही कानितीन, सर झुकाकर मेरे दरबार में खड़ा रहना है, सीना तान कर, इधर किबला है उधर का मुंह करके, इधर का मुंह करके नहीं बैठना है,
आजीज बनकर खड़े रहने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कि हम तेरे दरबार में गर्दने झुका कर हाजिर, तो हमारा मालिक है, हम तेरे नौकर हैं, हम तेरे गुलाम हैं। बातों की आदत बहुत, आखिरी लम्हे तक बातें हम करते हैं। मोहसिन साहब इकामत शुरू कर दे तो भी बातें पूरी नहीं होती हमारी। अफसोस की चीज है, फरिश्तों की लानत होती है ऐसे लोगों को। दो जानू बैठे हैं, कुछ वक्त है, सुन्नतें पढ़ ले, कुरान की तिलावत करे, जुमा का दिन है, दुरूद शरीफ पढ़े, जुमा के दिन जल्दी आने की आदत डाले। ये वो चीजें हैं जो हमें आखिरत में बहुत काम आई। और ये चीजें, ये तरतीब हमारी जिंदगी में आ गई तो इसके बाहर की जो जिंदगी है, मस्जिद के बाहर की, उसमें भी हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा, तरतीब आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को कही सुनी बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।